हाय बेटा, अब कहानी आगे। कल आपने अच्छे से रीडिंग करी, ठीक है। जो शब्द का अर्थ नहीं आता वो आप अपनी मैम से पूछेंगे, ठीक है। कहानी 103 पेज पे लास्ट पैरा जो है, जो हमारा शुरू हो रहा, वो है शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वायलेट। उसने एक फूल बैंगनी रंग का एंड अनदर विद द इंडिगो। इंडिगो होता है बेटा बैंगनी और जामुनी रंग होता है ना, उसके बीच का। सो इंडिगो को आप जामुनी रंग भी बोल सकते हो, ठीक है, या गहरा बैंगनी। ऑफ द रेनबो शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वायलेट एंड अनदर विद द इंडिगो ऑफ द रेनबो। उसने एक फूल बैंगनी और दूसरा फूल जामुनी इंद्रधनुष के रंग का किया। वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन, एक नीला और पत्ते हरे। वन विद ऑरेंज एक संतरी। वन विद रेड एक लाल। बट शी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे। लेकिन उसने पीला रंग छोड़ दिया ताकि सन और भी ज्यादा चमकदार और खुश नजर आए। एंड लो, और देखो, देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। वहां बगीचे में हर जगह खूबसूरत फूल थे। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। वहां पे सूरज खूब तेज चमक रहा था। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, द रेनबो। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, फूलों को रंग दे के और सूरज को रंग दे के, द रेनबो। कहाँ से? इंद्रधनुष के, मतलब इंद्रधनुष के सारे रंग फूल और सूरज को देने के बाद। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। सेंटेंस बेटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक ही कहानी दी गई है, तो आप यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आइए अब आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलो बुक खोल के। शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वायलेट एंड अनदर विद द इंडिगो ऑफ द रेनबो। वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन। वन विद द ऑरेंज पेज 104। वन विद द रेड बट शी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे। एंड लो, देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन द रेनबो।
सो बेटा इसके 3 से 4 बार आपको रीडिंग करनी है और फिर कल की ही तरह आपको इसके वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में उतारने हैं। जो समझ में नहीं आए अपनी मैम को कॉल करके पूछना है आपको। बाय, हैव अ गुड डे।